जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक ऐसी क्लास में जिसकी ज़रूरत न केवल एसएससी, डिफेंस, बैंकिंग या फिर टेंथ और ट्वेल्थ की तैयारी करने वाले या टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स सभी को होती है। आप चाहे सी टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप डीएलएड का एग्ज़ाम दे रहे हो या फिर आप बीएड का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हो सीजीएल का, सीएचएसएल का, एमटीएस का, स्टेनोग्राफर का, कोई भी आपका एग्ज़ाम हो, एक टॉपिक आपके पीछे हमेशा पड़ेगा, वो है कॉम्प्रिहेंशन। मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये इमेज तो एक लाइब्रेरी की है, लेकिन हर किसी के दिमाग में एक लाइब्रेरी बसती है, हर किसी के दिमाग में एक लाइब्रेरी है। अभी जो घटनाएं चल रही हैं चीन और इंडिया के बीच में, उनसे लाखों आर्टिकल्स बनेंगे, क्या उन आर्टिकल्स के बारे में आपको नॉलेज है या आपको जानकारी लेनी पड़ेगी? अगर आप जानकारी इकट्ठी कर लेते हो तो इसकी भी आपके दिमाग में एक लाइब्रेरी बनेगी, क्योंकि हजारों आर्टिकल्स बनेंगे, लाखों आर्टिकल्स बनेंगे, हर कोई अपने अपने तरह से उसको नोट डाउन करेगा। अभी 2000 के नोट को बंद करने को लेकर चर्चा जोरों पर चल रही है, उससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स बनेंगे। एजुकेशन सिस्टम में स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उससे रिलेटेड भी कई सारे आर्टिकल्स बनेंगे जो टीचिंग एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होंगे, स्पेशली सी टेट के लिए। इसके अलावा अगर हम एसएससी जैसे एग्जाम्स की बात करें तो हजारों किताबें हैं जो सोशल इविल्स पर लिखी गई हैं, जो सोशल रिफॉर्म्स पर लिखी गई हैं, जो इंडिया के कल्चर पर लिखी गई हैं, जो इंडियन सोसाइटी पर लिखी गई हैं। कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो इंडिया के फाइनेंशियल क्राइसिस पर लिखी गई हैं, कई सारी बुक्स ऐसी हैं जो रिसेशन पर लिखी गई हैं, कई सारी बुक्स और आर्टिकल्स ऐसे हैं जो नोबेल प्राइज पर लिखे जाते हैं, कई सारी बुक्स और आर्टिकल्स ऐसे हैं जो हमें आईना दिखाते हैं, हमें ये सीख देते हैं कि जो काम हम कर रहे हैं वो सही दिशा में है या गलत दिशा में है। अब बात आती है हमारे कॉम्प्रिहेंशन की, जिसे लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज या फिर हम लोग इसे अनसीन पैसेज के नाम से भी जानते हैं। अनसीन क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है कौन सा टॉपिक, कौन सा आर्टिकल हमारे एग्जाम्स में आएगा। अब इसके लिए जरूरी है कि लाइब्रेरी का प्रयोग करना, इतनी सारी बुक्स को पढ़ना क्या आपके लिए पॉसिबल है अगर आपके पास 4-5 दिन एग्जाम के बचे हों तो? नो, आई थिंक ये पॉसिबल नहीं है, सब लोग मना कर देंगे। अगर 2-3 महीने भी आपके पास होंगे ना तो भी आप इतनी बुक्स के लिए डिनाई कर देंगे, नो 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 सर, इतना टाइम नहीं है, कोई ऐसा तरीका बताओ जो 2-3-4 मिनट के लिए हो, उसमें उतनी मेहनत तो हम कर लेंगे। तो ऐसा कौन सा तरीका होना चाहिए कि आप अपने कॉम्प्रिहेंशन में 100% स्कोर कर सके? कॉम्प्रिहेंशन में 100% स्कोर करने के लिए आपको 3 स्टेप अपनाने पड़ेंगे, Q S M। क्यों बोले तो किसी भी चीज में क्विक रहना है। हमारा माइंड एक तरह से सेंसर है, यह किसी चीज को देखते ही पता लगा के बता देगा कि इसको हम सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आपने किसी पैसेज की 1-2 लाइनें ही पढ़ी है और आपका माइंड ये आपको बता देगा, एहसास करा देगा, भाई तुमसे ये पैसेज नहीं होगा, छोड़ो इसको। मतलब क्विक डिसीजन लेने की आदत डालनी है। आपने कोई पैसेज की 2 या 3 लाइन पढ़ी, आपका माइंड बता देगा यस इसको आप सॉल्व कर सकते हो, इस पे चिपके रहना, डिसीजन क्विकली लेना है। अगर आपको लग रहा है कि ये पैसेज आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है और आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, तो दिल पर मत लो कि यार मुझसे पैसेज सॉल्व नहीं हो रहा, मेरा वजन 70 किलो है, मैं रोज 2 घंटे 4 घंटे जिम में जाता हूं, मुझसे सॉल्व नहीं होगा, ये मत रखना, ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। क्विक डिसीजन लेना है, भले ही पेपर में उनका सिलेक्शन नहीं होता जो सारे क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं, पेपर में उनका सिलेक्शन होता है जो जिनको ये पता है कि जो मैं सही कर सकता हूं उसको ही सॉल्व करना है, गलत पे हाथ नहीं लगाना है। एक तो टाइम बर्बाद करोगे, दूसरा गलत भी करके आओगे। यही चीज आपको अपनानी है इसके फॉर्मूला में। पहले तो क्विक डिसीजन लेना है, फिर आपके 5 या 10 या 15 या 3 जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें से सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं होंगे जो आपके लिए डुएबल हैं,
कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो आप नहीं कर सकते, छोड़ दीजिए, स्किप कर दीजिए, उनके पीछे मत पड़िए, वो आपका नुकसान ही कराएंगे। और मेमोरी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जब भी आप पैसेज के बारे में किसी से बात करोगे ना, तो लोग आपसे कहेंगे कि ये पैसेज आप पहले क्वेश्चन पढ़ना, फिर पैसेज पढ़ना, आप जवाब दे सकोगे। वो गलत नहीं है। कुछ हमारे जैसे लोग मिलेंगे, वो कहेंगे पहले पैसेज पढ़ना, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ना, आप सही कर लोगे। और मैं भी अपने आप को गलत क्यों बताऊं? पैसेज सॉल्व करने के दोनों तरीके सही है। मान लीजिए कि मेमोरी आपकी अच्छी है, आपको जो आर्टिकल देखने को मिला है जिसके आपको जवाब देने हैं, उसके बारे में आपको पहले से ही जानकारी है, आप उसके बारे में बड़े अच्छे से जानते हैं, उसके बारे में सब कुछ पता है आपको, फिर आपको पैसेज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। इसका अंदाजा कब लगेगा? जब आप दो लाइन पढ़ोगे, क्विकली डिसीजन लोगे और आप अंदाजा लगा लोगे कि हाँ यार, ये वाला पैसेज तो इसके बारे में तो मेरे को सब जानकारी, इसके अंदर बाहर की कोई भी जानकारी पूछो मैं दे दूंगा। नहीं पढ़ना पैसेज, सीधे क्वेश्चन पढ़ो, आंसर दो, कड़ा। ये मेमोरी, ये क्वेश्चन पढ़ो सही है। लेकिन कुछ पैसेज ऐसे होंगे जिनके बारे में बिल्कुल वेरी फर्स्ट टाइम आप देख रहे होंगे, वेरी फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे। जब आप वेरी फर्स्ट टाइम उनके बारे में पढ़ रहे होंगे, वेरी फर्स्ट टाइम आप उनके बारे में देख रहे होंगे, वेरी फर्स्ट टाइम आप उनके बारे में जान रहे होंगे, तो जैसे ही आप उनकी तरफ जाओगे, जैसे ही आप उनको देखोगे, वैसे ही आपको लगेगा ये मुझसे नहीं होगा। आपके माइंड ने डिसाइड कर लिया कि ये तुमसे नहीं होगा, और आपने भी कह दिया नहीं होगा। अगर आपके पास टाइम है, पैसेज पढ़ लो, पढ़ लीजिए पैसेज, हो सकता है उसका जवाब आप दे सको। अब इसमें कौन कौन सी चीजें आपको याद रखनी है, आपको याद रखना है अगर दो लोगों के बीच में कोई कन्वर्सेशन हुआ है, कोई बातचीत हुई है, तो उससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। अगर कोई एग्जाम में डेट दी गई, पैसेज में कोई डेट है, तो उससे एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। अगर कोई डेटा बताया गया है, तो उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। अगर आपको यह पता है कि क्वेश्चन कहां से पूछे जाते हैं, तो आपका ध्यान सिर्फ उसी पर जाएगा। आपने देखा कि राम और श्याम आपस में बात कर रहे हैं, ये जरूर पूछा जाएगा राम ने श्याम से क्या कहा था, राम ने श्याम की कौन सी बात गलत कह दी थी, राम ने कौन सी बात गलत तरीके से बोली थी, ये जरूर आएगा। अगर डेट की बात है आपके पास, डेट दी गई है, डेट है, तो डेट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। डेटा कोई दिया गया, किसी का स्टेट्स बताया गया, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको जरूर देखने को मिलने वाले हैं। ये आपको याद रखना है, ये आपको ध्यान रखना है, और यही तरीका आपको एग्जाम्स में अपनाना है, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। अब सवाल उठता है कि प्रैक्टिस कहां से करें? किताबों से प्रैक्टिस करोगे तो वो एग्जाम वाली फीलिंग नहीं आएगी, आपको तो एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। तो उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं, और सॉलिड चीज बता रहा हूं, आपके पास है क्लास 24 का एप्लीकेशन, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से। जब आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, तो आप अपना एग्जाम सेलेक्ट करोगे, जो भी आपका एग्जाम है, सी टेट है, टेट है, या फिर SSC है, कोई भी एग्जाम है, जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, उस एग्जाम को सिलेक्ट करोगे। ये अभी बैच हमारा चल रहा है, अवतार बैच, ये SSC कैटेगरी में चल रहा है। इन दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हो, ये नंबर आप अगर यूज करेंगे तो इनका आप यूज कर सकते हो, और 999 में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। टेस्ट सीरीज इसलिए बताया क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए आपको वही लेवल चाहिए जो एग्जाम्स में जरूरी है, और वो लेवल आपका बिल्कुल सेम मिलेगा इन कोर्सेस में। इसमें आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, ये लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड है, डाउट सपोर्ट है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, बाइलिंगुअल क्लासेस है, और प्रिंटेबल नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। ये आपको मिलेगा जब आप क्लास 24 एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे, तो अपने एग्जाम्स को सिलेक्ट करोगे, SSC CHSL पे जाओगे, तो आपको वहां पर मिल जाएगा अवतार बैच, और वहां से आप इस एग्जाम, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। तो मैं आपके लिए केवल ये इन्फॉर्म करने आया था कि पैसेज की प्रैक्टिस आपको कैसे करनी है, इसकी सटीक कंटेंट आपको कहाँ से मिल जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी। जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, अभी सब्सक्राइब करो, क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन वोकैब और PQRS में महारत हासिल करने के लिए। ग्रामर पढ़ाने वाले लाखों मिलेंगे, लाखों वीडियोस मिलेंगे, लेकिन क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन PQRS और वोकैब को पढ़ाने और सटीक तरीके से पढ़ाने के लिए आपको बहुत गिने चुने लोग मिलेंगे, और मैं उनमें से एक हूँ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।